नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम से जुड़ी तीन बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आगे सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, टीम के कप्तान फैफ डुप्लेसिस, इसके अलावा टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, मोहम्मद सिराज को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है आरसीबी टीम से जुड़ी। इन सभी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली है। इसी कड़ी में आरसीबी टीम ने इसके लिए कमर कस ली है। बहुत जल्दी आरसीबी टीम की ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होने वाली है। आरसीबी टीम पहला मुकाबला आईपीएल 2022 में 27 मार्च को ही पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आरसीबी टीम को जमकर तैयारी करनी पड़ेगी इस मैच के लिए। वहीं भाइयों, हम बात करते हैं कि क्या खुशखबरी है आरसीबी टीम के लिए। तो पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और गेंदबाज मोहम्मद सिराज, ये दोनों ही प्लेयर्स बहुत जल्दी आरसीबी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। किसी भी वक्त ये आरसीबी टीम के स्क्वाड से जुड़ सकते हैं। जी हाँ भाई, अपडेट ये आ रही है कि आज या फिर कल तक जो है विराट कोहली और मोहम्मद सिराज, ये दोनों खिलाड़ी आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। हालांकि मुंबई पहुंचने के बाद वो फिलहाल 3 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे, क्वारंटीन के बाद ही वो प्रैक्टिस करने के लिए उतर सकते हैं, ऐसी अपडेट फिलहाल आ रही है। अब देखना ये होगा कि इनके आने के बाद आरसीबी की टीम जो जानकारी देती है उसमें क्या बाहर निकल कर आता है, क्या क्वारंटीन में रहेंगे या फिर डायरेक्टली अभ्यास करना चालू कर देंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी खुशखबरी ये है कि आरसीबी टीम ने ट्रेनिंग कैंप जो है वो आज से शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है ये, बहुत बड़ी खुशखबरी है आरसीबी टीम के सभी फैंस के लिए, जहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ कर दिया है। आज से जो है आरसीबी ने ट्रेनिंग कैंप लगा दिया है। हालांकि इसमें खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है या फिर नहीं लिया है, ये हमें बाद में पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अपडेट ऐसी ही आ रही है कि आरसीबी टीम ने आज से ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जब आरसीबी टीम ने आज से ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए थे। जैसा कि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे, शायद से 18 मार्च से आरसीबी टीम ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करेगी, लेकिन दोस्तों फिलहाल अपडेट यही आई है कि आज से ही आरसीबी टीम ट्रेनिंग कैंप शुरू करने वाली थी। तीसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि आरसीबी टीम के 4 खिलाड़ी जो है वो 18 मार्च यानी कल से आईपीएल 2022 के लिए जमकर अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। उनका क्वारंटीन कल कंप्लीट हो जाएगा, आज जो है वो क्वारंटीन ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद कल से वो अभ्यास करने उतर सकते हैं, ऐसी अपडेट आ रही। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कप्तान फैफ डुप्लेसिस खुद शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, वनिंदु हसरंगा, लुभनीत सिसोदिया, इसके बाद सूरज प्रभुदेसाई, ये 4 खिलाड़ी जो है आरसीबी टीम के स्क्वाड को पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। 3 दिन से ये क्वारंटीन में है और कल से ये अभ्यास करना चालू कर सकते हैं। आरसीबी टीम के लिए ये जमकर अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये थी तीसरी खुशखबरी इन 4 खिलाड़ी को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।